आज के दिन फिर से बाबा ने सारे संसार के जो हालात हैं उनका रेफरेंस देते हुए समय की स्मृति दिलाई है। हम सभी पुरुषार्थी हैं, रात के राही हैं, सत्युगी नई दुनिया की मंजिल की ओर हम बढ़ रहे हैं। राही कुछ राही होते हैं जो जिन्हें केवल बुद्धि में जिस तरफ कदम बढ़ाना है और गाइड उस पर विशेष ध्यान होता है, अपने लक्ष्य की ओर विशेष ध्यान होता है। कुछ राही हैं थोड़ा अलबेलेपन में भी आकर के साइड सीन्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ राही रास्ते के साइड सीन्स को उसे चेंज करने की कोशिश में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं। साइड सीन्स को परिस्थिति मानकर उसमें ही अपनी शक्ति को लगा देते हैं उसे चेंज करने में, जबकि साइड सीन्स है तो साइड सीन खुद नहीं बदलेगी। बदलना खुद को है, आगे बढ़ना है, बदलने की भी जरूरत नहीं, आगे बढ़ते जाना है। बदलने की जिम्मेवारी बाबा ने ली। तो ऐसे कई बातों में हमारा ध्यान नहीं बट जाए, बाबा हमें समय की बार बार स्मृति दिला रहे हैं। आज बाबा ने कहा है 4 तारीख, मीठे बच्चे ये कयामत का समय। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। ये टेबल थोड़ा और आगे कर लीजिए तब फिर आपको पीछे कैमरा लगाना बनेगा। और आगे वो तो बहुत छोटा होता है ना, बड़ा होता है और आगे कर सकते हैं। तो मीठे बच्चे यह कयामत का समय है, रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत बरसा कर साथ ले जाने। प्रश्न, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? क्यों भोला भंडारी कहा जाता है? सबको सबका कल्याण कर देते हैं। जो बाबा की निंदा करने वाले, नुकसान करने वाले, उनका भी बाबा कल्याण कर देते हैं। ठीक है, और भोला भंडारी क्यों कहा जाता है? जितेन भाई, भोला भंडारी क्यों कहा जाता है बाबा को? हाँ, पाप तुरंत माफ कर देते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं ना, जिसे मिसबिहेव भी करेंगे लेकिन फिर वो व्यक्ति भूल जाता है, उस व्यक्ति से बहुत अच्छा व्यवहार करता है तो लोग कहते हैं बहुत भोला है, फलाने ने इसका इतना नुकसान किया, इतनी इंसल्ट की, लेकिन ये एकदम प्यार से उससे बात करा, इसके मन पर कुछ बात नहीं रहती, बहुत भोला है। थोड़ा सा कुछ बोल तो बाबा मान जाते, खुश हो जाते हैं। भक्ति में भी बड़े बड़े असुरों ने भी बस यही बात को संकल्प में रखकर कि शिव बाबा भोला भंडारी है, सहज प्रसन्न होने वाले, हमारे पाप को नहीं देखेंगे लेकिन हम जो तपस्या करेंगे उसका फल दे देंगे। तो बाबा भी बच्चों के लिए भी भोले हैं, लेकिन इतने भोले नहीं है जितना बच्चे समझ लेते हैं। बच्चों के नाच नखरे को बाबा देखते हैं, फिर भी बच्चों बाबा को तरस पड़ता है कि बच्चे बाबा को यथार्थ नहीं समझे हैं, इसलिए अलबेलेपन में आते हैं। भोला इसलिए भी कहा जाता है कि थोड़ा पुरुषार्थ करने से कई गुना देते हैं, कई गुना देते हैं।
एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए। बाबा तो कहते मैं 50-60 वर्ष से भी ज्यादा, क्योंकि बाबा से जो प्राप्ति होती है वो अनेक जन्म तक चलती है, यहाँ तक कि संगम युग के इस 21वें जन्म तक भी चलती है, इसलिए भोला है। चलिए उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, गोताओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पति दुनिया और पति शरीर में है। भाई कोई गेस्ट होता है ना जो बहुत नखरा करता है, हम ऐसे नहीं ठहरेंगे, हमको ये सुविधा चाहिए, ऐसा नहीं खाएंगे, मुझे ये सुविधा चाहिए, स्टेशन लेने के लिए भी हमको बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, फ्लाइट से आएंगे ट्रेन से नहीं आएंगे। बाबा इसमें भी बोले कितनी सारी पॉइंट निकलती है, आते भी देखो पतित दुनिया पतित शरीर में है। इतना बड़ा कार्य करने के लिए आते हैं लेकिन आते भी पतित दुनिया पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे, अब अमृत पियो, विकार रूपी विष को छोड़ दो। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पराई। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बाबा कहते रूहानी बच्चों ने गीत सुना अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रिय द्वारा गीत सुना। फिर से अपने ब्रिकुटी में टिक करके इस बात को महसूस करें, बाबा ने क्या कहा, आत्मा ने इस शरीर की कान कर्मेंद्रिय द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, कितना दूर है परम धाम, कितने माइल है, कितने किलोमीटर है, इस दुनिया के कोई भी साधन से उसकी माप नहीं कर सकते, इतना दूर है। दूर देश से बाबा आते वो मुसाफिर है, बाबा कहते तुम बच्चे भी मुसाफिर हो। जो भी मनुष्य आत्माएं है वह सब मुसाफिर है, आत्माओं का कोई भी घर नहीं है, आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकार आत्मा ही है, वह सब मुसाफिर है, हर आत्मा मुसाफिर है। संसार में आए थे केवल अपनी 5 गठरी लेकर, या एक में ही कह दिए 5 समान थे, बस आत्मा 7 गठरी लेकर आत्मा के साथ बस, और कुछ लेके नहीं आए थे, उसी को वापस लेकर जाना है। तो उस दुनिया को कहा जाता है, बाबा के एक एक महावाक्य के अनुसार बुद्धि की ड्रिल हो, उस दुनिया को कहा जाता है, कहां पहुंच गई बुद्धि, परम धाम। उस दुनिया को कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक, और इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। परम धाम से सीधे बुद्धि आई इस दुनिया में, जीव आत्माओं का देश कहा जाता है, आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहां आकर शरीर में प्रवेश करती है तो निराकारी से साकारी में आ जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है और नाम भी जरूर है, लेकिन
शरीर के हिसाब से अब शरीर का फीचर बनाना होगा, तो सिर बनाएंगे, हाथ बनाएंगे, पैर बनाएंगे, पीठ बनाएंगे, पेट बनाएंगे, लेकिन आत्मा का क्या बनाएंगे? बस एक पॉइंट देना है, उसकी भेंट में, शरीर की भेंट में आत्मा का कोई भी आकार नहीं है। अब जैसे कोई 100 नंबर का कोई पेपर है, कोई 98 नंबर लेता है, कोई 50 लेता है, कोई 30 लेता है, तो 30 वाला या 10 वाला या 5 वाला नंबर वाले को क्या कहेंगे? जीरो, फेल हो गया। तो न के बराबर आकार, आत्मा को निराकार क्यों कहा? क्योंकि आत्मा का रूप न के बराबर आकार वाला है, रूप के हिसाब से भी। और बाबा को निराकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा का जो गुण है, बाबा के लिए भी है ये बात कि निराकार माना न के बराबर आकार। देवताओं का तो रूप है, उसका तो आकार होता है। और दूसरा, निराकार का मतलब बाबा की जो गुण है, शक्तियां है, अथाह है, जिसको कोई आकार नहीं दे सकते, लेकिन संसार में सबसे बड़ा समुद्र है, इसलिए लोग समुद्र से तुलना कर देते हैं। तो बाबा कहते, इतनी छोटी आत्मा कितना वाइट बजाती है इस शरीर के द्वारा। हम इस बात को ध्यान पर रखकर दिन भर एक एक का पार्ट देखें। हर एक आत्मा का अलग अलग रोल है, हर एक का बोलने का तरीका अलग, हर एक का सोचने का तरीका अलग, हर एक का कार्य करने का तरीका अलग, क्योंकि हर एक में अलग अलग संस्कार वाली आत्मा है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर वो कितने बार रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। किस चीज से बाबा ने तुलना की? टेप रिकॉर्ड से। एक बार भरी जाती है, ऐसे ही आत्मा में भी रिकॉर्ड भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा में निराकार है। कहां कहां शास्त्रों में लिख दिया है, वह नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है। नाम तो है ना आकाश, आकाश भी रिक्त स्थान है, पोलार है। कुर्सियां और इधर आके बहने बैठेंगी ना, इसलिए इस तरह बहने बैठेंगी। देखो, आकाश भी पोलार है इसलिए, परंतु नाम तो है ना रिक्त स्थान है इसलिए। तो बाबा कहते, यह दुनिया साकार देश है, बिगड़ नाम की कोई चीज होती नहीं है। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सभी आत्माएं रहती है, वह है साकार देश। इसमें भी दो का राज्य चलता है। इस साकार देश में दो का राज्य चलता है, पहला हुआ राम राज्य, दूसरा रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े बनाएंगे। अज्ञानतावश मनुष्य समझते भगवान ने रावण राज्य बनाया। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं, मैं कभी भी बच्चों को दुख नहीं देता हूं, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। बच्चे भी क्या करते हैं, कभी कभी कुछ भी जीवन में अपनी मन पसंद का नहीं होता तो बाबा को दोष दे देते हैं। अब मन पसंद का हो जाएगा तो बहुत अच्छा से भोग लगवाएंगे, तो फिर तो है ना अज्ञानता वाला संस्कार, बहुत अच्छा से भोग लगवाएंगे। और मन पसंद नहीं हुआ तो बस उमंग उत्साह ही खत्म। मन पसंद नहीं हुआ, पसंद करना चाहिए उसको,
बाबा साथ था तो वो परिस्थिति छोटे रूप में आई। जो परिस्थिति आई है जिससे ना खुश है, बाबा साथ है इसलिए वो परिस्थिति छोटे रूप में आई, नहीं तो और बड़े रूप में आती। मान लीजिए किसी का बच्चा पढ़ाई में फेल हो गया, हम तो बाबा को बोले थे बाबा इस बच्चे को पास कर देना, नहीं किया। ठीक है नहीं किया, लेकिन उसका मनोबल बना हुआ है, आप मनोबल बनाए रखिए। परंतु जितना परसेंट बना हो वो भी आप बाबा को याद करते इसलिए बना हुआ है, परंतु उसका बनाए रखिए मनोबल, बच्चे से ज्यादा माता पिता परेशान हो जाते। ऐसी और भी तरह की बात है, किसी को आर्थिक नुकसान हुआ, बाबा नहीं होता साथ तो और बड़ा नुकसान होता है। बाबा ने उस बात को कम कर दिया। बाबा कभी अपने तरफ से दुख नहीं देते, इस जन्म में ज्ञान में आने के बाद भी तो कितनी भूलें होती है बच्चों द्वारा, तो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो इस समय है ही दुख धाम। बाबा क्यों बार बार याद दिलाते कि दुनिया दुख धाम है, इस दुनिया से सुख की उम्मीद नहीं करो, इस दुनिया की चीजों से सुख की उम्मीद नहीं करो, आप सुख स्वरूप आत्मा हो, आप सुख स्वरूप में स्थित रहो, बाकी चीजों से सुख की उम्मीद नहीं करो, व्यक्ति से सुख की उम्मीद नहीं करो, व्यक्ति खुद ही अंदर से इतना दुखी है वो आपको सुख कैसे देगा। कहेंगे बाबा इसकी बुद्धि फेर दो, क्यों क्यों बोल रहे फेर दो, क्योंकि मुझे सुख मिला इससे। अरे सुख देने वाला बाबा है, वो आत्मा भी दुख अगर दे भी रही है तो अच्छा वो बाबा के नजदीक आपको ला रही है, वो आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। हाँ उसका कल्याण हो उसके लिए आप सुख संकल्प करो वो ठीक है, लेकिन मेरा उसमें स्वार्थ है ये सोच के नहीं। अपेक्षा करेंगे किसी से भी, अगर मान लीजिए वो पूरी भी हो गई बात तो फिर उस आत्मा से अटैचमेंट हो जाएगा। कई बच्चों का यही अनुभव कि पहले बहुत बंधन था तो बाबा को बहुत याद करते, बंधन ठीक हो गया तो उन्हीं में अटैचमेंट हो जाता है, फिर वो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। तो बुद्धि में बिठाना है अपने कि बाबा कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। कई बच्चे भक्ति के उस संस्कार को नहीं छोड़ते, आपस में बात करेंगे कोई अच्छा पुरुषार्थ सुनाएंगे कि बाबा को याद करने से मुझे ये फायदा हुआ, तो कोई कोई ये भी कहेंगे आप वाला बाबा ठीक है, आपका कैसा वाला चित्र लगा वो हम लगाएंगे घर में, मेरा वाला बाबा है ना, मेरे को मेरा वाला तेरा वाला बाबा क्या, चित्र तो मनुष्य ने बनाया, बाबा तो बाबा है। विधि से सिद्धि होती है, हमारी बाबा को याद करने की जो विधि हमने अपनाई है उसमें गड़बड़ी है कुछ, या हम नियम में कुछ ढीलापन करते हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं में कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं। अब सीता ने एक बार शोक वाटिका में गई क्यों गई, एक बार मर्यादा का उल्लंघन किया। सवेरे से लेकर राम रात तक बाबा ने जो नियम बनाए हैं कहीं ना कहीं मर्यादा का उल्लंघन होता है, उसके परिणाम स्वरूप आत्मा कमजोर बनती है, और कमजोर बनने से फिर योग नहीं लगता, योग में विघन पड़ता है, तो उसके कारण नुकसान हो रहा। बाबा ने नुकसान नहीं किया, सभी के लिए बाबा ने मर्यादाएं एक ही बताई है, तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप कभी किसी को दुख नहीं देते, यह है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। अब किसी ने कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, आके बाबा कमरे में बैठे हुए क्यों बैठे हुए बाबा को शिकायत करे किसी की, अरे इस दुनिया से उम्मीद नहीं करो कोई मेरे से अच्छी तरह बात करे। उन बेचारों को किसी ने सिखाया नहीं, आप सोच के देखिए जितना बाबा पढ़ाते हैं कोई माँ बाप घर में नहीं पढ़ाते, संस्कार सुधारने के लिए, और न कोई साधु संत पढ़ाते हैं और न कोई आज की शिक्षा व्यवस्था पढ़ाती है संस्कार को बदलने के लिए। कितना बाबा ऊंचे स्तर से कितना स्वमान में टिका करके बाबा इतना समझाते, देखो तुम कौन हो, तुम कितने ऊंच हो, कितने महान हो, तुम मेरे कुल के दीपक हो, तुम मेरे नैनों के नूर हो, कितना प्यार से बाबा बोल बोल के समझाते हैं, तो संस्कार नंबर वार बदलते हैं। और उन बिचारों का तो दोष ही नहीं है कि आत्मा को ज्ञान का भोजन मिला ही नहीं है, तो वो टेढ़े मार के जो भी चल रहे हैं उससे दुख हम क्यों ले रहे हैं, हमें बाबा ने सुख लेने का ज्ञान दे दिया है, सुख लेने का ज्ञान दे दिया है कि तुम कोई सुख स्वरूप अपने स्वरूप को याद करो। गाया जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए,
जैसे बाबा पॉइंट समझा रहे थे, नई चीज अच्छी व पुरानी चीज खराब दिखाई देती है, तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझ लेते हैं। गाया जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम्हारी उन्नति होगी तो तुम्हारे द्वारा दूसरों की भी उन्नति होगी। आप जो आकर करेंगे उसमें सबका भला होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही तो करेंगे ना। अभी तो बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो उनकी आत्मा ज्योति ज्योत में समाई, ऐसा कहते हैं। आएंगे फिर कैसे अगर ज्योति ज्योत में समा गई है? तो तुम कहेंगे आज से कितने वर्ष पहले गुरु नानक आए थे? आज से 4,500 बाद फिर आएंगे, 500 वर्ष पहले आए थे लगभग। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है, सब तमो प्रधान, थोड़ी बहुत किसी में विशेषता बची है, सब आत्मा खाली है। अब थोड़ी विशेषता है, किसी के संपर्क में जाने से विशेषता पहले दिखाई पड़ती है और किसी के संपर्क में जाने से विशेषता लास्ट में दिखाई पड़ेगी, पहले कमियां दिखाई पड़ेगी। लेकिन अपने पेशेंस को खो देने के कारण थोड़े में जो पहले पहले दिखाई दिया, किसी के लिए लोग बोल देते ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो उसने थोड़ी बोला कि मैं बहुत अच्छा हूं, हमने मान लिया बहुत अच्छा है और बहुत विश्वास कर लिया उस पर, तो बाद में धोखा होता है। और या कहेंगे ये तो बहुत ही गलत व्यक्ति है, लेकिन अच्छाइयां भी उसके अंदर है। तो बहुत शब्द लगाना ही नहीं चाहिए, सब अच्छे, सब अच्छे। ये जरूर याद रखना, कोई कितना भी अच्छा हो, जितनी उसमें अच्छाई है एक जबरदस्त उसमें कमी भी होगी, भले वो दिखाई दे रही है अभी कि नहीं दिखाई दे रही, होगी जरूर। इसलिए उस कमी से सावधानी, अच्छाइयों से ठीक है अच्छाई ग्रहण करनी है, लेकिन कमी से सावधानी, सभी से सावधानी। वो तब होगा जब अपने पर ध्यान होगा कि मेरे अंदर भी अच्छाइयां हैं, लेकिन कोई ना कोई एक बड़ा अवगुण है जो मुझे जितना चाहते उतना आगे बढ़ने में रोकता है। इस समय सब तमो प्रधान है, इसको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति बुझाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने, बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उनको अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाने आए हैं। माया रावण ने काम चिता पर बिठाकर कब्र दाखिल कर दिया है, सभी सो गए। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं, अब ज्ञान अमृत कहां और वह पानी कहां? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, और इसलिए नाम रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है, खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, वह सदैव सच बोलने वाले हैं। सारी महिमा शिव बाबा की है, गुरु नानक जी ने भी, जैसे सत्यनारायण की कथा भी है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं, सत्य की कितनी महिमा है। बाबा सत्य है, सच बोलते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य की स्थापना करते हैं और सत्य ज्ञान देकर सत्यनारायण बनाते हैं। अमर कथा, तीसरे की कथा, कितनी कथाएं सुनते हैं मनुष्य। कहते हैं पार्वती ने अमर कथा सुनी शंकर से। अब वह तो सूक्ष्म बतन में रहने वाला, वह फिर कथा कौन सी सुनाई? ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में
ले जाने के लायक मैं बनाता हूँ। तुम कौन हुए? पार्वतियां, इस लोक से पार रहने वाली वती मना ज्योति, इस लोक से पार रहने वाले सभी हैं। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाते हैं। बाकी सूक्ष्म बतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उसको अमर कथा सुनाएंगे? अब वो भी दिखाते हैं, फिर उसको नींद आ गई तो बेचारे कबूतर ने मुंह करके सुना। भक्ति में जो व्रत करते हैं ना तो कहानी सुनते हैं, कहानी के समय ये नियम है ऐसे करके सुनना है, मुंह करके सुनना है। वो एक नियम बन गया, क्योंकि नींद आ जाए ना किसी को तो, पुराने जमाने के लोगों ने नियम बना दिया, आज तक भी लोग वही नियम पालन करते हैं। अब सोचने की बात है, पार्वती जी को नींद आई फिर भी शंकर जी कथा सुनाते रहे, कबूतर ने सुन लिया, लेकिन जो सुनाने वाला होगा और सुनने वाला अगर एक व्यक्ति हो तो कैसे उसको नींद आ जाए फिर भी वो सुना रहा होगा? तो सामने बैठे है ना भाई, शंकर जी को भगवान कहा तो वो सामने बैठे ना पार्वती जी, तो कैसे नींद ले रहा सुनाते जाएंगे? टोकेंगे नहीं उसको? टोकेंगे नहीं या सुनाना बंद नहीं करेंगे? हाँ ये हो सकता है कि उनको नींद आ रही हो तो डिस्टर्ब नहीं किया होगा, क्योंकि कबूतर सुन रहा है तो कम से कम एक तो सुन रहा है, इसलिए भी हो सकता है। कई बार होता है ना कोर्स करने कोई और आया है, लेकिन कोर्स करने के वाले के साथ कोई और आ जाता है जो उनको लेके आया है, वो कोर्स करने नहीं आया, लेकिन कोर्स करने वाला नींद ले रहा है, लेकिन सामने वाले को लक्ष्य नहीं था सुनने आए, लेकिन सुन करके अच्छा लगने लगा तो वो गौर से सुनने लगा, तो भी सुनाना पड़ता है। हो सकता है ऐसे ही कुछ हुआ होगा। कहानियां बड़ी रोचक बना दी भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ, बाकी सूक्ष्म बतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे? शास्त्रों में अनेक कथाएं बना दी है सत्यनारायण की, सच्ची कथा तो है नहीं मनुष्य के पास। तुमको कितनी सत्यनारायण की कथा, तुमने कितनी सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या? और ही गिरते रहते हैं। कितनी भारत में सत्यनारायण के व्रत किया होगा लोगों ने, लेकिन फिर भी भारतवासी क्या बन गया अभी? कोई सत्यनारायण बनता नहीं कथा सुनने से। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीसरे की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप समझाते हैं। तुम ही गुण गुण पूज्य थे, अभी फिर 84 जन्म के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूं, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूं, यह ही पतित दुनिया। बचकर रहना कुल को, यह ही पतित दुनिया। उम्मीद नहीं करनी कि वो अच्छा व्यवहार करे। सत्य में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते हैं पतित पावन सीताराम, यह अक्षर ही राइट है, सब सीताएं ब्राइट्स है। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ, सब भक्तियां पुकारती है, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाप कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है न कि कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे और साकार को कहेंगे। कृष्ण तो है ही साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर नहीं है, यह इस लोक में
यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। कीजिए महिमा बाबा की, नहीं नहीं कीजिए बाबा की महिमा। देखिए कितनी महिमा बोल पाते हैं, एक लगातार बोलिए बोलिए। देख लगातार कितनी बोलते वही सुनना है, अब इसी में घूम रहा है बाबा। दो बार तीन बार दो करता सब करता बोल दिया। रुक गया, अच्छा ठीक है, रंजीवन बताएंगे। बोलिए, अच्छा ठीक है बताओ। अब कौन बोलेगा? जितेन भाई, एक मिनट जितेन भाई, ठीक है। पांच पर रुके, आप बताइए। हरी भाई बोले दिए, नहीं जो बोल दिए तो भी बोलिए, कोई अर्जा नहीं। एक मिनट, अब जो बोल दिए बोल दिया, आप बोलिए। एक लगातार कितनी महिमा कर सकते हैं बताइए। एक बाबा जी क्या गुणों का सागर, देव का सागर, योग सागर। रुक गए, अब दुख हरता सुख करता ज्ञान के सागर, सच्चित आनंद स्वरूप, अंदर से नारायण बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले, सब चार पांच पार्ट रहेगा। बढ़िया है, वंडरफुल बात है भाई। बाबा इतनी महिमा रोज अपनी बताते हैं और इतना कैलेंडर, कम से कम इसका 32 गुण तो याद कीजिए, कम से कम 32 गुण तो। नहीं नहीं वो फेल हो गया ना परीक्षा में, परीक्षा में फेल हो गया ना। जबकि उसके अलावा भी देखिए, उसके अलावा भी बाबा की कितनी महिमा। तब बोलते ना कि पांच कॉलम बनाकर मुझे लिखे, ज्ञान के बारे में बाबा ने जो स्पष्टीकरण दिया, योग के बारे में बाबा ने जो कहा, सेवा के बारे में बाबा ने जो कहा, धारणाओं के बारे में कहा, उसके बाद छठी पॉइंट है स्वमानस बाबा ने क्या दिया, और पांचवी और छठी है बाबा ने महिमा क्या बताई अपने। तो अलग अलग महिमा भी तो रोज इतनी बाबा की मिलती, लेकिन पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ाई होती है। पांच पर अटक गए सारे के सारे, अपने को चेक करना है कि हम क्यों नहीं बोल पाए। बाबा की महिमा करने का अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास होगा तब होगा। याद सबको है, लिखने के लिए बोलेंगे लिख लेंगे ज्यादा, याद सबको है, लेकिन एक लगातार अभ्यास होना चाहिए। तो ये 32 गुण सब रखिए पहले, तो 32 से ज्यादा तो क्लास में बोलने का कोई बोलेगा नहीं ना, क्योंकि दूसरों को ही बोलना है, तो तभी बोलने में आएगा। नहीं निर्भर हो गया, आप दूसरे को बोलने दीजिए, कम से कम इसमें तो पास हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तो बाबा की महिमा कितनी अपरंपार है। बाप की महिमा है, पति पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ होता है? यहाँ तो हो नहीं सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। हाँ, बाबा के बनने के बाद हर बच्चों का अनुभव है कि जीवन में सुख मिला, सुख बढ़ गया, शांति बढ़ गई, खुशी बढ़ गई। क्यों? हमारा सोचने का तरीका बदल गया, देखने का तरीका बदल गया। बाकी सामने वाले बदले ना बदले, वो भी धीरे धीरे बदल जाते, लेकिन पहले क्या बदला? खुद को। अच्छा लिबरेटर किससे करते हैं, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से लिबरेट करते हैं, यह है ही दुख धाम। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। इतनी महिमा रटने के बाद में एक एक गुण के बारे में भी डिटेल, तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं एक एक गुण पर। जब टाइम होता है ना क्लास में, तो बैठ जाना चाहिए। बाबा कितनी बार कहते हैं एक चित्र पर, उस चित्र पर बैठ गए। एक दिन आप 10 बार भी रख लीजिए, ठीक है। दूसरे दिन फिर एक एक गुण पर, एक गुण को सामने रखकर, हेडिंग में रखकर, उसकी डिटेल में आप 5 लाइन तो लिखिए। कोई कह दे
कि इसका मतलब क्या है, तो आप 5 लाइन में तो समझा सके। मनन चिंतन करने का अभ्यास हो, करना है ये कम से कम हर जब जब टाइम मिले, 2-2 मिनट मिले, 5-5 मिनट मिले, ये होमवर्क तो करें। आज फेल हो गया सभी, तो बाबा एक एक बात। अच्छा, गाइड भी बनते हैं तो कहां के लिए गाइड बनते हैं वो बताना है, कैसे गाइड करते हैं वो बताना है। ये शरीर तो सब यहाँ खलास हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है, वह है अविनाशी सलोना साजन। सबको दुख से छुड़ाकर पवित्र बनाकर ले जाते हैं। शादी कर जब जाते हैं तो पहले होता है पति और पीछे होती है पत्नी, फिर बारात होती है। अभी तुम्हारी माला भी ऐसी ही है। कहां बाबा? पति पत्नी के बाद फिर माला के बाद लेंगे। फूल शिव बाबा की याद, माला में फूल होता धागे का, लाल फूल शिव बाबा की याद, और उसके बाद 2 लटके हुए मनके होते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, फिर बाकी सभी मनके हैं हम बच्चे। तो बाबा कहते विष्णु की माला भी होती है, शिव बाबा की याद में सूर्यवंशी विष्णु की माला बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। माला में थोड़ी सी आत्माएं होती है यादगार के रूप में, क्योंकि उन्होंने मेहनत की शिव बाबा के साथ। कोई को पता नहीं कि माला क्या चीज है, ऐसी माला फेरते रहते हैं। 16108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी हुई होती, देखा तो नहीं होगा ना 16108 की माला। हाँ, ब्रह्मा बाबा कहने देखा है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती, फिर कोई कहां से खींचते हैं। अब एक आदमी बैठेगा माला फेरने, वो उठेगा तो दूसरा फेरेगा, तब तो इतना तो सबके पास टाइम नहीं है। तो बाबा कहते, बाबा का देखा हुआ, ब्रह्मा बाबा का, कि कोई कहां से, कहीं से भी कोई को मिल गया वहीं से खींच रहा है। 16000 पुराने में टाइम लगेगा ना, लेकिन पुण्य समझते कि हाथ लगा लिया तो 16000 की माला फेर लिया। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल तो एक ही शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं, पूरा करने के बाद ऐसे करके माथा टेकते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं, पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको कुछ भी पता नहीं, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको ये पता नहीं कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अभी तमो प्रधान है, तुम भी तम प्रधान बेगर थे, अब बेगर तो प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं, बनाने वाला है बाप। तो मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहां प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। कहां था कॉलेज है, क्या दिया था? तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है, मनुष्य क्या जाने। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, भगवान उवाच वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाबा कहते किसको भी पता नहीं कि झूठ खंड किसको कहते हैं। झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं, रावण का रूप बनाते, अर्थ नहीं समझते। आखिर रावण कौन है, जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसको कहा जाता है रावण राज्य। रावण उसको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। वो क्या बना हुआ होता है ना, पेड़ जैसा होता पतला,
पतला पतला नहीं खेतों में लगा होता है, नीचे में एक पतली सी डाली जैसी होती है, ऊपर में ना रोई रोई जैसा लगा होता है इतने दूरी में, उसी को सोना बोलते हैं, वही लूट के ले जाते हैं। तुम जानते हो यह कांटों का जंगल है, बॉम्बे में बबुलनाथ का भी मंदिर है, बाप आकर कांटों की दुनिया बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्यों को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम पांच विकारों पर जीत पाते हो, इस रावण राज्य का विनाश होना ही है, आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी आना है, रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे, अभी तुम रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाबा सारे विश्व का राज्य भाग देते हैं, इसलिए उनको भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी कहा जाता है, गणी गाएं कुब जाएं अहिल्याएं सबको बाप आकर विश्व का मालिक बना देते हैं, कितना भोला है। आते भी हैं पति दुनिया में, पति शरीर में, बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विष पीना छोड़ते ही नहीं है, बाप कहते बच्चे अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए, बाबा के भी बहुत सारे बच्चे, कहने में बाबा के बच्चे अपने को कहलाएंगे प्याज लहसुन नहीं छोड़ते, थोड़ा सा अच्छा भोजन भी करना है थोड़ा सा वो वाला भी करना है, तो आत्मा को कहां से ताकत मिलेगी, इंद्रियों के गुलाम रहेंगे तो, जीभ पर कंट्रोल नहीं हो तो क्या करें क्या करें। अरे भाई घर में ठीक है प्याज लहसुन ही बनता है तो आप दूध के साथ खा लीजिए, दही के साथ खा लीजिए, सलाद के साथ खा लीजिए, सलाद के साथ तो खा सकते हैं, अचार के साथ खा लीजिए, लेकिन प्याज लहसुन खाने हैं खा रहे हैं उस समय बाबा को याद करके तो आप खा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा तो वो भोजन करने आएगा ही नहीं आपके नजदीक, बाबा को तो स्मेल भी नहीं चाहिए, तो फिर वो भोजन कौन खाया, किसकी याद में खाएंगे, फिर रावण खा लेता है तो रावण ताकतवर बन जाता है, तो परिस्थितियों में घिरे रहते हैं। भोजन का हमारे जीवन की परिस्थितियों से मन स्थिति से भी बहुत कनेक्शन है, इसलिए संकल्प करना चाहिए हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा को भोग लगाए बगैर नहीं खा सकते, चीनी रोटी खा लीजिए, कभी नमक रोटी खा के देखिए, अपने आप घर वाले शांत हो जाएंगे, धीरे धीरे कह देंगे ठीक है आपको जैसा चाहिए वैसे बना, लेकिन अपने को अच्छा लगता है तब ना, घोटते तो है ना, खाते तो है ना, टेस्टी तो लगता है तब तो मन सरेंडर हो जाता है, तब बाबा कहते माया नाक से पकड़ती है, बस प्याज की स्मेल भोजन को बहुत टेस्टी बना देती है, ऐसा समझते हैं बस, होटल के बगल से गुजर रहे हैं नाक में महक गई, समोसा तला रहा है पहुंच गया अंदर, फिर कहेंगे क्या करें, असल बात है ना भूख लग गई थी, इसलिए खाया, भूख लगी नहीं है, भूख स्मेल से साइकोलॉजिकल ढंग से जागृत हुई, घर से तो खा के निकले तो भी पेट ज्यादा नहीं मांगता है, तो खैर बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पावन बनो, ये विकार तुमको आदि मध्यंत दुखी बनाते हैं, क्या तुम एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते, मैं तुमको पवित्र अमृत पिलाकर अमर बनाता हूं और तुम पवित्र नहीं बनते हो, विष बिगर सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते, अब सिगरेट शराब बिगर, मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूं बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, अब सिगरेट शराब की बात आई, कई बच्चे पान पराग नहीं छोड़ते, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना यह बाप का ही काम है, बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने, इसमें तो बाबा ने बता दिया है जो करेगा सो पाएगा, बाबा के बच्चों में भी नंबर वाला है, कई किसी विषय में आगे कोई किसी विषय में आगे, दूसरे को नहीं देखना है कि वो भी तो ऐसा करता तो हम भी ऐसा कर, हमें तो अपने बड़ों को देखना है, दादियां तो किसी का एक ग्लास पानी भी किसी के हाथ से नहीं पीती थी,
जितनी अवस्था ऊंची बनाना चाहेंगे उतना परहेज अपने करना होगा, जो करेगा सो पाएगा। अब आजकल पहले के जमाने में हर चीज हाथों से बनती थी, अभी मशीन से बनती है, तो कोई कोई तर्क दे देते हैं ये चीज मशीन से बनती है खा लेना चाहिए, लेकिन मशीन योगयुक्त थोड़ी है। जितना योगयुक्त होकर भोजन बनाएंगे उतना ज्यादा भोजन में ताकत भरेगी, और मशीन को तो कोई दिमाग है ही नहीं, वो तो मनुष्य के दिमाग से चलती है, तो फिर वो बिना दिमाग का माना डलनेस लाएगी दिमाग में, वो ऐसा भोजन इमरजेंसी के लिए बाबा हाँ करते हैं। अब जैसे विदेशी है उनकी अलग रूटीन है, मिलिट्री वाले उनकी अलग रूटीन है, तो बाबा कहते हैं ठीक है मशीन से बने जैसे ब्रेड वगैरह खा लो, बाकी जिसको जिसको फुर्सत है वो क्यों मशीन से बने चीज खाएंगे, अगर खाएंगे तो जैसे मशीन डल होती है उसको दिमाग नहीं है तो हमारा दिमाग भी सही समय पर काम नहीं करेगा। जीवन में जब जब दिमाग की आवश्यकता होगी दिमाग अपना हमको धोखा दे देगा, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए हमारी बुद्धि हमारे अपने सेफ्टी के लिए हमेशा अलर्ट रहे, उसके लिए भोजन बहुत ध्यान देकर। अब आजकल तो सब कुछ मशीन से बनने लगा, रोटी भी बनने लगी है, सब्जी भी बनने लगी होगी, नहीं तो लग जाएगी, गुलाब जामुन बनता है, आइसक्रीम बनता है, खाते रहो फिर तो अपने से बनाएंगे नहीं। तो इसमें ढीले नहीं होना चाहिए, दूसरे को देख के ढीले नहीं होना चाहिए। बाबा के बच्चे नए या पुराने कितने होते हैं, सभी में कोई ना कोई पुरुषार्थ में विशेषता होती, कमी भी होती, कमी को नहीं फॉलो करना, एक मम्मा बाबा छोड़कर दूसरे को नहीं फॉलो करना। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दोष से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम मिले जाने, अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं, बाप है महाकाल, कालों का काल, वह काल तो एक दो को ही ले जाएंगे और मैं तो सभी आत्माओं को ले जाता हूं, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना मालामाल बनाते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, दूसरी पॉइंट विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है, वरदान ड्रामा की ढाल को सामने रख
ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली हवा खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। खुशी गायब हो नहीं सकती। क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। स्लोगन पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। अमूल्य हीरे हैं। रोज बाबा की बहुत शिक्षाओं भरे मूल्य